तो सभी सारी औरतें और लड़कियों को एक हैप्पी वुमेंस डे और बहुत ही अभिनंदन इस दिन का। और जैसे कि अजय हमेशा कहते हैं कि कहते आ रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग आज सुबह से कि एक नई दिन होना चाहिए, सारे दिन वुमेंस डे होने चाहिए। बट जहाँ इस पर्टिकुलर दिन का सवाल है वहाँ पे बेसिकली हम लोग यही कहना चाहेंगे कि इट्स री एनफोर्समेंट, एक ऐसा दिन जहाँ पर हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, विमेनहुड को। और उसी सेलिब्रेशन के नाते यहाँ पर रेडिसन ने जो इनिशिएटिव लिया है शांति हस्तकला को एक मौका देकर अपना हुनर दिखाने का, वो बहुत ही शानदार है। ये बस एक बिज़नेस, ये कोई बिज़नेस एंगेजमेंट तो है नहीं, ये यहाँ पर बेसिकली रेडिसन जो एक थॉट प्रोसेस में बिलीव करता है, उन्होंने यहाँ पर ऐसी औरतों को चांस दिया है कि वो अपना हुनर दिखा सके। और शांति हस्तकला को बेसिकली खास अभिनंदन, क्योंकि वहाँ वो लोग जो काम कर रहे हैं, वो लोग जो गांव की औरतों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को हम खास प्रणाम करते हैं। जी, फ़िलहाल तो मैं एक वेब सीरीज़ शूट कर रहा हूँ Z5 के लिए, और उसके अलावा मैं एक इंग्लिश फिल्म शूट कर रहा हूँ, एक इंग्लिश प्रोडक्शन है उसके साथ, और साथ में एक हिंदी फिल्म भी जल्द ही शुरू होगी मई जून के दौरान। थैंक यू। Well, I am running for another meeting at 4:30, so I think. Yeah. What time is it right now? It's just 4. It's just 4, right? Yeah. So the rehearsal will take at least 1:30. Oh, you have to reach there at 4:30. But I'm gonna come. I never, we just generally don't come to the site. So you stay in Mandir? I stay in Jogeshwari West. Oh, yeah. So this property has like somehow. So we have Filmistan and Film City next to us. Yeah, so property has gone out of my registration. Radar only. Yeah, it's like, there's a lot of traffic, so every time you pass. No, it used to be. It's changed. The flyer is much relieved. Yeah. The flyover made a lot of difference. In fact, 2.5 years when they were working, we had a tough time. Yeah. But last August 15th they opened it, and it's been good since. It's made a huge difference. Awesome. My business suffered. My business suffered a lot. But thankfully, it's done. So now has it come back to? Oh yes. Yes. Thank you so much. Thank you, Kanika, for having me, giving me a chance. Congratulations and all the best. And I'll see you guys very soon. Yeah. No, I just have to go. Just running around the day. Special Wednesday brunch also. Our house. Some desserts. Everything is pink. तो रेडिसन के लिए हुए इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहना चाहिए। और थैंक यू रेडिसन, क्योंकि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया उनके लिए, एंड देन इट ऑल्सो एड्स वैल्यू, क्योंकि रेडिसन जैसे अगर होटल्स करेंगे देन इवन जैसे हम अगर हमें बुलाया जा रहा है, सो इट जस्ट एड्स मोर वैल्यू टू वट एवर शांति हस्तकला वॉन्टेड टू डू। या, सो थैंक यू सो मच रेडिसन। शांति हस्तकला के बारे में और महिलाओं ने जो अपने हाथों से ये प्रोडक्ट बनाए हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में। जो ये उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी है और हाथ का काम है, और हाथ का काम वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई देख के कि वो सारी औरतें जिनके पास शायद कुछ और आगे देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, सडनली उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां वो खुद बना के चीज़ें बेच सकती हैं। और इस इनिशिएटिव को, इस चीज़ को पूरा जो शांति हस्तकला ने शुरू किया है, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जिस तरह से मुझे पता लगा कि वो लोग सिखाते भी हैं, आई हर्ड दे वर ट्रेनिंग देम एंड देन आफ्टर दे रिक्वेस्टेड फॉर इट, उन लोग के लिए फ्री काम भी दिलवाए। सो दैट्स अ ग्रेट। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये इनिशिएटिव लिया है बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे हर चीज़ यहाँ पर इतनी अच्छी लगी है। मैंने यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ऑलरेडी मैं ख़रीद चुकी हूँ, और अगर ये 1-2 दिन और चलेगी तो शायद, मतलब आई थिंक आई एम गोना कम एंड जस्ट टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वेरी क्रिएटिव बहुत सारी नई चीज़ें देखी, जैसे एंकलेट बहुत प्यारे बनाए हुए थे, और जो दुपट्टे भी थे, बहुत सारे दुपट्टे मैंने पहले कहीं नहीं देखे हुए हैं, तो वो मैंने पहली बार यहाँ वो देखे। बहुत छोटे छोटे वॉलेट्स पे जिस तरह का हाथ से काम किया हुआ है वो बहुत अच्छा है। तो मेहनत बहुत की है, और थैंक यू शांति हस्तकला। प्लीज़ ऐसे ही औरतों को इनकरेज करते रहिए, ताकि उनके पास लाइफ लॉन्ग खुद में बिलीव करने का एक उनको एक मौका मिला है। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय रैडिसन टू अरेंज दिस ड्यूरिंग वुमेन्स डे आल्सो। रैडिसन इज एनकरेजिंग वुमेन, आवर कंट्री वुमेन, जिनको बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं थी, उन लोग को ये प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, एंड आई थिंक विल ऑल हैव टू हेल्प ईच अदर एंड स्टैंड देयर फॉर ईच अदर एंड सपोर्ट आवर कंट्री वुमेन। ऐसा प्रोडक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा दिखती है, सो कि बस ये तो नहीं, एंकलेट्स एंड शी लाइक द दुपट्टा, मतलब वैसे तो दुपट्टा, एंकलेट, टीज बहुत अच्छी हैं, जो ऑर्गेनिक टीज हैं, जो ये लोग खुद वहाँ पर ग्रो करते हैं, एंड देन दे ड्राई द लीव्स और उससे बनाते हैं, और बहुत रीजनेबल है फॉर द एफर्ट्स, बहुत रीजनेबल है। तो आई एम बहुत इजीली अफोर्डेबल हैं, तो प्लीज़ सब लोग आइए यहाँ पे। आई थिंक आज लास्ट डे है ना, लेकिन बट दोबारा जब भी होगा आइए और यहाँ से लीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे प्रोडक्ट्स। यस, आपका सीरीज पंच बीट फिल्मी बीट, लोग पसंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पसंद करना चाहिए, हमने भी बहुत मेहनत की है। एंड हाँ, अच्छी बात है यार, बच्चों को तो बहुत पसंद आ रहा है जहाँ तक मुझे पता है। और मेरे ऐसे नए बच्चे इंट्रोड्यूस हुए हैं पंचबीट में, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और आगे भी बहुत मेहनत करना चाहते हैं। और या बट आई एम स्टिल एंजॉइंग द फैक्ट आई एम स्टिल प्लेस्ड इन द यूथ कैटेगरी, आई एम स्टिल प्लेइंग 18-year-old, शी इज फिट फॉर द रोल। हाँ, तो बस अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है सुन के कि अच्छा कर रहा है शो। विमेंस डे मतलब वैसे तो हर दिन आप अपना दिन समझ के सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हमने इसको एक नाम दिया है, हम सबका बर्थडे, हम सारी विमेन अक्रॉस द वर्ल्ड उनको सेलिब्रेट कर सके, जिस तरह हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं शायद। तो प्लीज़ आज का दिन एंजॉय कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल बिलीव इन योर सेल्फ, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। या अल्टीमेटली हम सब इक्वल हैं यार, कल भी आपका दिन था और कल भी आपका दिन है, तो ये सोच के आज का दिन भी इंजॉय कीजिए। व्हाट आई फील इज इंडियन वुमेन रिस्ट्रिक्ट देम सेल्फ थिंकिंग, सोसाइटी जज करेगी, ये चीज़ें उनको भूलना चाहिए एंड गो अहेड विद व्हाटएवर देयर विजन इज। जो मन में आता है, हाँ, जो मन में आता है करो, अपने लिए करो, और ऐसा करो जिससे आपको कॉन्फिडेंस और बिल्डअप और खुशी मिले। एंड सो वी ऑल हैव टू सपोर्ट ईच अदर, सो या हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। पर ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम, जैसा मैंने पहले भी कहा कि दूसरी बार ऐसा हुआ है कि रेडिसन के साथ ही यू नो हमें एक जगह पे एक चीज़ से जुड़ने का, एक नोबल कॉज से जुड़ने का मौका मिला है। पहले इट वाज अबाउट द नेशनल फ्लैग जिसको आप बो सकते थे एक अपने ही घर के कॉट में, एंड नाउ इट इज़ अबाउट शांति हस्तकला। आई हैव नोन अबाउट दिस NGO फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस इज़ बेस्ड इन गुजरात एंड इट एम्पावर्स मोर देन यू नो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, उनको इंडिपेंडेंट बनाता है, केपेबल बनाता है कि वो खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें और फिर उनको सेल करें, और उनको हेल्प भी करता है अपने प्रोडक्ट सेल करने में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेडिसन के थ्रू यहाँ पे ये एग्जीबिशन लगी है एंड सो मेनी पीपल विल कम एंड सी देयर प्रोडक्ट्स व्हिच आर एक्चुअली रूल वर्दी। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एक बहुत ही वाइड वैरायटी है प्रोडक्ट्स की, वेदर इट बी डेकोरेशन आइटम्स, वेदर इट बी हैंड पाउचेस, हैंड पर्सेस, वेदर इट बी सूट मतलब कुर्ताज, लहंगाज, दुपट्टाज, इवन रबर बैंड्स भी देखे थे मैंने वहाँ पे। देयर इज़ यू नो दोज लेमन ग्रास टी, रोज टी, हाइबिस्कस टी, एंड देन देयर आर इंसेंस स्टिक्स, देयर आर पेपर बैग्स एंड what not. You can see these handbags are, there's a line of all of them, और बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों ने you know very colourful और मतलब जो कहते हैं ना पूरा दिल और जान डाल देते हैं किसी चीज़ को क्रिएट करने में, वो दिखता है that purity of their work, it really shows, it's very pretty. So, decoration items, especially those torans जो hang करते हैं, those I really like the colourful ones. और इसमें the nice चीज़ is they call it the सुरक्षा कवच। Basically उसके अंदर उन्होंने वो विभूति, वो क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं ना जो उसके भस्म जो उसके अंदर डाला हुआ है, so it makes basically it's for purity and सारी evil eye को दूर रखता है। And these hand pouches, I'm really a big fan of small hand pouches, so I've taken some from my mother, my mother-in-law, my sister-in-law, and yeah, so we love. बिल्कुल। सो देखिए कहीं पे भी आते हैं कुछ हमेशा अच्छा लर्न करके जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे यू नो ऑल दीज वुमेन, ये लोग इतने सारे लोग यहाँ पे बैठ के इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। आई शो यू ऑल्सो जो मैंने आज बनाया है, दिस इज़ अ पेपर बैग, जैसा कि बॉम्बे में प्लास्टिक बैंड है, सो दिस कैन कम इन वेरी हैंडी, 2 मिनट में बन जाता है घर में। एंड वी शुड ऑल यू नो रियली गो फॉर यू नो बायोडिग्रेडेबल स्टफ जो कि एनवायरनमेंट को इतना हार्म ना करे। सो या यार जैसे कुछ होगा मैं बताऊंगी, अभी ऐसा कुछ है नहीं जो मटेरियलाइज या यू नो इन द पाइपलाइन कि मैं आपको कंफर्म कर पाऊँ, बट आई होप सून, आई होप सून। सी आई हैव बीन लकी कि मुझे अभी तक हमेशा आज विमेंस डे भी है, मैं ये बोलूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स मिले हैं पोर्ट्रे करने के लिए, चाहे वो रज़िया सुल्तान हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो क्या कसूर है अमला के में अमला हो। इट टॉक्ट अबाउट अ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट सोशल कॉज विच वॉज रेप। सो आई हैव बीन वेरी लकी कि यू नो आई हैव बीन चोजन फॉर दीज रोल्स, सो आई जस्ट वांट कि दिस जर्नी कंटिन्यूज लाइक दैट। टाइम लगता है लगे, लेकिन कुछ अच्छा है, सो या दैट्स व्हाट। विमेंस डे के लिए सबको सारी ऑल द पीपल आउट देयर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। एंड इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग वुमेन एवरी डे, नॉट जस्ट ऑन वन डे बट ऑन ऑल द डेज, एंड वैल्यूइंग देम एंड गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एंड यू नो क्लियरिंग आउट जो भी आपके रोड ब्लॉक्स होते हैं अबाउट यू नो वुमेन, कि उनको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये पहनना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, करियर चूज़ करना चाहिए, घर पर रहना चाहिए। Let them decide for themselves. It's Women's Day. Like you can choose, so can they. So yeah, I stand for that. Thank you. देख सकते हैं आज के टाइम पे जब हम लड़कियां बहुत सालों से इनफैक्ट बहुत ही अरसों से चूड़ियां पहनते आ रहे हैं तो ये जो चूड़ी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैंडमेड है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया है। तो अगर आपको कोई जीन्स पहना हो या फिर आपको कुछ वेस्टर्न भी पहना हो सो यू कैन जस्ट यू नो वेयर इट लाइक दिस और आप इसे पहन सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि ये जो लोग हैं ये अपने हाथ से बनाते हैं एंड दिस इज़ द अर्निंग। सो ऑन दिस वुमेंस डे आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू टेल कि यहाँ पे ये लोग अपने हाथ से बनाते हैं और उसी से अपनी अर्निंग करते हैं। तो आज की औरतें जो हैं आज की लेडीज़ जो हैं वो कितना आगे जा रही हैं। एक वो टाइम था जब बोलते थे कि नहीं औरत को काम नहीं करना चाहिए और आज ये काम है और आज ये टाइम है जब औरतें अपने घर के बाहर निकल रही हैं और अपने लिए खुद के लिए कमा रही हैं और अपने परिवार के लिए भी। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। So I wish you all a very happy Women's Day too. Let's see और क्या है यहाँ पे। Oh wow! इस तरह से आप देख सकते हैं ये बहुत ही cute से प्यारे से हैंड बैग्स हैं और इसको जो बनाया है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कढ़ाई की है यहाँ पे। तो इन चीज़ों का फ़ायदा ये है कि ये आपको सिर्फ यहाँ मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और आज के टाइम पे वी ऑल वांट टू हैव थिंग्स विच आर एक्सक्लूसिव। तो अगर आप यहाँ से लेते हैं तो दिस इज़ द बेनिफिट बेसिकली यू विल गेट। देखिए सी द बेस्ट थिंग इज़ कि ये जो कढ़ाई है ये मेरी नेल से मैच कर रही है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बनाया है एंड इट इज़ सो कलरफुल। आई मेरे पास एक कुर्ता है मैं यहाँ से एक दुपट्टा ले सकती हूँ अपने कुर्ते के लिए। सी प्लीज डोंट टेक ये ईस्टर्न वेस्टर्न हो गया। अच्छा 1 2 थैंक यू परफेक्ट। तो मुझे तो करनी है बहुत सारी शॉपिंग और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और आप भी आइए। तो हम मिलते हैं शॉपिंग के बाद। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वुमेंस डे। आई वुड से कि इस वुमेंस डे पे एक मैसेज होना चाहिए कि अपना ख्याल रखिए। आप सबका ख्याल रखते हैं लेकिन आज का दिन है खुद को पैम्पर करने का। और थैंक यू सो मच एंड मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है तो आई विल सी यू सून। टेक केयर बाय। Yeah, first of all, I would like to wish all the beautiful ladies and women a very happy Women's Day. And it's a very, very great step, you know, it's taken by Radisson. It's a very good gesture, basically. People today just think about business and you're making money. Lekin aaj ke waqt mein aise kadam uthana, ek achhi raah pe chal ke, it's a very big gesture, basically. So I saw all the products by Shanti Hastkala Kendra, and first of all, I would say ki jitne bhi products hain, those are all eco-friendly. Kyunki aaj global warming ke zamane mein, jahan pe aapko apna nature ka bahut, jahan nazarandaz ho rahi hain cheezein, jahan har cheez itni polluted hai, wahan pe ye इस तरह के प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आए हैं, इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट टू यू नो टू कम इन द मार्केट बेसिकली. सेकेंडली, जिन औरतों को ये मौका मिला है करने का, जो विलेज में है, छोटे शहरों में है, जिनके बहुत पाबंदियाँ, बहुत बंदिशें लगी होती हैं कि तुम घर से मत निकलो, घूंघट में बैठे रहो, तुम ये मत करो. और कहीं ना कहीं इन औरतों में इतना टैलेंट जो, और हर इंसान को गॉड हैज़ गिवन अ टैलेंट टू एवरीवन यू नो इन दिस अर्थ, बट इन औरतों में जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, छुपा रहता है. और ये जो कदम उठाया है शांति हस्तकला केंद्र ने, जो उनको काम करने का मौका मिला है, उनको ये चीज़ें बनाने का, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है, तो वो जो टैलेंट उन्होंने दिखाया वो मैं अभी देख के आ रहा हूँ. जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत खूबसूरत हैं. आई लाइक एवरीथिंग बेसिकली. मैं किसी एक चीज़ की तारीफ़ कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ बहुत खूबसूरत था. ऑल द बैग्स, ऑल द कॉस्ट्यूम्स, ऑल ये, और यहाँ पर अगरबत्ती और धूप भी हैं जो इको फ्रेंडली हैं. सो जैसे मैंने कहा कि उनको जो मौका मिला है अपने टैलेंट को दिखाने का, और एट द सेम टाइम जहाँ पे औरतों को हमेशा कहीं ना कहीं ये कह के नीचे दिखाया जाता है कि तुम कुछ नहीं, तुम तो बस घर पे पड़ी रहती हो, तुम कुछ काम नहीं कर सकती, तुम घर नहीं चलाती. आदमियों का ये होता है कहीं ना कहीं कि मैं घर चला रहा हूँ. तो यहाँ पे औरतों को मौका मिला है कि ये बना के यू नो टू अर्न सम मनी ऑल्सो, यू नो टू सो दैट दे कैन रन देयर हाउस एज वेल. So I think it's a very good initiative and it's a very good step basically is taken by Shanti Kalaki. See, मैंने कल भी एक इंटरव्यू में बोला था कि for me, my ideal woman was my mother. She's not anymore, no more anymore. Basically, she passed away 9 years back, but she's always been an inspiration in my life. She's the one who who really motivated me to come to this city, because I never wanted to become an actor, but she knew, she had that vision, you know, since I was a kid, that my son, you know, he has that talent, he has a capability of doing something in his life. So एक औरत का, एक आदमी के हाथ, जिंदगी में बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी देखा कि जब मेरे डैड कभी उनका बिजनेस था तो कभी वो उदास या डिप्रेशन में चले जाते थे, जब थोड़ा सा भी काम ऊपर नीचे होता था, तो माई मॉम यूज्ड टू यू नो always encourage him, you know, उनको हमेशा हिम्मत देने, उनको ताकत देने कि नहीं, you will do something good, it's okay, everything will be fine. तो एक औरत का एक आदमी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ होता है उसको कामयाब बनाने के लिए. और मेरी मदर का तो रहा है ऑफ कोर्स. अगर वो कहीं ना कहीं माई सिबलिंग्स ऑल्सो आर एक्टर्स, अगर वो हमें बॉम्बे लेकर नहीं आती जिद करके, या उनको उनको ये नहीं होता कि हम लोग कुछ कर जाएंगे, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता, या मैं जिस मुकाम पर आज हूँ मैं नहीं पहुँचा होता. So I think they have a very big role to play in your life, basically. Last question, what are the plans now? Where can we see you after? I can't reveal that much, but yes, you'll be seeing me very soon. That's a surprise, and I promise you all that I'll keep on entertaining you the way I have been doing it. So wish you all a very happy Women's Day, and wish you a very happy Holi in advance as well. Thank you. God bless you.